हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखें भले ही घोषित नहीं हुई हैं, मगर बीजेपी ने अभी से भी पूरी ताकत झोंक दी है। अब 22 दिन के भीतर बीजेपी के शीर्ष तीन नेताओं की रैली राज्य में लग गई है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पहले ही रैली कर चुके हैं। अब 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का 8 सितंबर को रोहतक में समापन होगा। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देकर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माहौल बनाने के लिए बीते 18 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और बीजेपी के राज्य चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल के सहयोगी भी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखें भले ही घोषित नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत तो झोंक ही दी है, साथ ही साथ एक्शन मोड में आ गई है बीजेपी। 22 दिन के भीतर बीजेपी के शीर्ष तीन नेताओं की रैली राज्य में लग गई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही रैली कर चुके हैं। अब 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का 8 सितंबर को रोहतक में समापन होगा। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी भाषण देकर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माहौल बनाने के लिए बीते 18 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और बीजेपी के राज्य चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल के सहयोगी भी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर पर बयान को पाकिस्तान में हाथों हाथ लिया जा रहा है और राहुल लगातार पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। राहुल गांधी को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोकने की घटना को पाकिस्तान ने फौरन लपका और वहां के हुक्मरान इस पर धड़ाधड़ ट्वीट करने लगे। तो अब राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को लेकर ट्वीट किया और एक वीडियो शेयर किया तो पाकिस्तान ने उसको भी हाथों हाथ ले लिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने राहुल गांधी के ट्वीट और बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता और नागरिक आजादी पर अंकुश लगाए हुए 20 दिन हो गए हैं। विपक्ष और मीडिया को तब जम्मू कश्मीर के लोगों पर किए जा रहे कठोर बल प्रयोग और प्रशासनिक क्रूरता का एहसास हुआ जब उन्होंने शनिवार को श्रीनगर का दौरा करने की कोशिश की। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में दो समूहों में झड़प के बाद तनाव का माहौल है। रविवार शाम को नागपट्टिनम के वेदारण्यम में दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद एक समूह ने कार में आग लगा दी थी। इसी के साथ ही स्थानीय पुलिस स्टेशन पर पत्थर फेंके गए थे और इसके विरोध में दूसरे समूह ने एक प्रतिमा ढहा दी और इसके बाद शहर में तनाव का माहौल है। वेदारण्यम शहर और उसके आसपास करीब 400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनेलो नेता और विधायक अभय चौटाला ने कहा कि इस बार इनेलो कैथल में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल का जन्मदिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी और इस रैली के संयोजक पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा होंगे। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री एच देवगौड़ा शिरकत करेंगे। साथ ही कई बड़े नेता भी यहां पहुंचकर ताऊ देवीलाल को श्रद्धांजलि देंगे।
इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी गलत फहमी की शिकार है जो 75 पार की बात करती है और बीजेपी के कार्यकर्ता 85 पार की बात करते हैं। इनकी गलत फहमी विधानसभा चुनावों में दूर हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन होने की संभावना पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी और बसपा गद्दार पार्टी हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया है। कांग्रेस तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, इसलिए इनेलो आगामी चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी और सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में अपनी सरकार भी बनाएगी। इस बार इनेलो 30% महिलाओं को भी टिकट देगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अलग मुद्दे थे लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रदेश के अलग मुद्दे हैं जहां प्रदेश की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव को लेकर फरीदाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जेजेपी के अलावा बीएसपी के कार्यकर्ताओं की भी बैठक की और कार्यकर्ताओं से चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करने की अपील की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक एक साथी समर्पित भाव से आज मैदान में है और एक की ताकत से दोनों पार्टी प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और इस प्रदेश को लूटने वाली सरकार से जनता को निजात दिलाएगी। वहीं 25 सितंबर को महम में होने वाले चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस की रैली को सफल बनाने के लिए दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता जुट गए हैं और इस रैली में कार्यकर्ता अपनी ताकत को दिखाएंगे। एक नई आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अगले 10 हफ्ते के अंदर बसपा और जजपा प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। प्रथला विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ नेता और बीजेपी के जिला महामंत्री सोहन पाल सिंह छोकर ने सोमवार को विधानसभा के करीब आधा दर्जन गांवों का दौरा किया जिनमें जनौली, अलावलपुर, फतेहपुर, बड़राम शामिल है। अपने पैतृक गांव सिकरी पहुंचने पर भी सोहन पाल सिंह छोकर का युवाओं और बुजुर्गों ने फूलमाला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सोहन पाल सिंह छोकर ने मुख्यमंत्री की 28 अगस्त को होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों को न्योता दिया। साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से गांव सिकरी पहुंचने की अपील की गई तो वहीं सोहन पाल सिंह छोकर ने कहा कि वो अपने गांव के बुजुर्गों का एहसान नहीं उतार सकते क्योंकि उनसे ही उन्हें संस्कार मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि सीकरी में जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे और यह ऐतिहासिक धन्यवाद सभा होगी। पंजाब सरकार द्वारा बसों के किराए में की गई बढ़ोतरी यात्रियों के गले से नहीं उतर पा रही है। यात्री सरकार से किराया वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल पंजाब रोडवेज बसों का किराया 5 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ने से यात्रियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अंबाला छावनी बस अड्डा इंचार्ज का कहना है कि पंजाब सरकार द्वारा बसों का किराया बढ़ाए जाने से हरियाणा और अन्य प्रदेश की जो बसें पंजाब में एंटर करेंगी तो उसका किराया 5 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो वहीं पंजाब के पटियाला बुकिंग क्लर्क और लुधियाना अड्डा इंचार्ज का कहना है कि किराया बढ़ाना सरकार का काम है, उनका काम तो आदेश का पालन करना है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन के कंडम हो चुके 3 कूलिंग टावर को ब्लास्ट के जरिए गिराया गया। थर्मल पावर प्लांट यूनिट के चीफ इंजीनियर श्यामलाल सचदेवा ने बताया कि थर्मल के ये 3 कूलिंग टावर कंडम हो चुके थे और इन यूनिटों पर सरकार का काफी पैसा खर्च हो रहा है जिसको देखते हुए सरकार के आदेशानुसार इन 3 कूलिंग टावर को ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया है। सचदेवा ने यह भी बताया कि 15 दिन पहले कूलिंग टावर को ट्रायल के लिए गिराया गया था जिसकी सफलता होने के बाद बाकी 3 टावर पर कार्रवाई करते हुए इन्हें भी गिरा दिया गया है। इधर टोहाना के गांव हैदरावाला के सरकारी स्कूल में मुख्य गेट पर स्कूल छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और स्कूली बच्चों ने अपने टीचर के ट्रांसफर के विरोध में जमकर बवाल काटा। इस दौरान बच्चों के विरोध की खबर मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को समझा बुझाकर शांत करवाया और खंड शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद बच्चों ने नारेबाजी खत्म की और स्कूल में जाकर पढ़ाई शुरू की। सोनीपत में ओमेक साइट में लड़की का अपहरण करने का मामला सामने आया जहां फारूक नाम के युवक ने एक लड़की को 20 अगस्त को अपहरण कर लिया था। तो वहीं कल देर शाम लड़की ने तीसरी मंजिल की बालकनी से कूदकर अपहरणकर्ता के चंगुल से खुद को बचाया।
इस दौरान स्थानीय लोगों ने लड़की की मदद की और पुलिस को इसकी सूचना दी, तो वहीं पीड़िता ने पुलिस को अपहरणकर्ताओं के बारे में पूरी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने लड़के की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। फतेहाबाद में थाने के बाहर किन्नर इकट्ठा हुए। दरअसल किन्नरों का आरोप है कि दूसरे इलाके का किन्नर हमारे इलाके में आकर बधाई मांगता है, तो वहीं किन्नरों ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। खबर डबवाली से, जहां भाखड़ा नहर में एक वृद्ध महिला को डूबता देख एक युवक ने नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद नहर के आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों की मदद से महिला को नहर से बाहर निकाला गया। इस दौरान महिला को बाहर निकालने का वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और अब यह वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बीमारी से परेशान थी, जिसके चलते महिला ने नहर में छलांग लगा दी थी, लेकिन रजनीश नामक युवक की बहादुरी से महिला की जान बच गई। यमुनानगर में एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ यह बारिश लोगों के लिए आफत भी बन गई है और लगातार जो है परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बता दें कि यमुनानगर में लगातार मूसलाधार बारिश कल हो रही थी, जिसके कारण कई जगहों पर जलभराव हो गया, साथ ही लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। प्रदेश में चोरों का आतंक कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला बल्लभगढ़ से सामने आया है, जहां गांव मलेरना में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को चोरों ने अपना निशाना बनाया। आपको बता दें कि रात के समय चोरों ने एटीएम को उखाड़कर वो फरार हो गए, और इतना ही नहीं, चोरों ने पहले बिजली की सप्लाई काटी और सीसीटीवी को भी तोड़ दिया, ताकि चोरों की करतूतों का पुलिस को पता न चल सके। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंची और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ताजा मामला बल्लभगढ़ की जैन कॉलोनी से सामने आया है, जहां घर से दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल चुके युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद शव को पार्क में फेंक दिया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया, और वह बताया यह भी जा रहा है कि युवक जिसके साथ घूमने के लिए गया था उसके पहले भी किसी बात को लेकर उसके साथ झगड़ा हो गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में गठित समिति ने केंद्रीय बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट पर सोमवार यानी कि आज आरबीआई के बोर्ड की बैठक में विचार हो सकता है। दरअसल जालान समिति का गठन यह सुझाने के लिए किया गया था कि आरबीआई के पास कितना रिजर्व फंड होना चाहिए और उसे केंद्र सरकार को कितना लाभांश देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जालान समिति ने आरबीआई रिजर्व के किस्तों में स्थानांतरण का समर्थन किया। समिति की ओर से फंड के लाभांश का ट्रांसफर सरकार को पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर 3 से 5 साल में चरणबद्ध तरीके से किए जाने की सिफारिश भी की गई है, और इसके बाद ही आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सकता है। वहीं आरबीआई जालान समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस साल लाभांश की पहली किस्त का ट्रांसफर शुरू कर सकता है। आरबीआई जुलाई जून वित्तीय वर्ष का अनुसरण करता है और सालाना खाते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद लाभांश का वितरण अक्सर अगस्त में किया जाता है। वित्त वर्ष 2020 के लिए सरकार ने आरबीआई से 9,000 करोड़ रुपए लाभांश का अनुमान लगाया। चीनी माल पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया कदम से चीन अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर गहरा हो गया है। इसकी वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 623 अंकों की गिरावट आई और एसएंडपी 500 और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी गिरावट आई है। सोमवार को इसका भारत सहित दुनिया के अन्य बाजारों पर भी असर दिखेगा। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने का चीन ने कड़ा विरोध किया है। ट्रंप ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद यह ट्वीट किया था कि वो चीनी की करीब 250 अरब डॉलर की वस्तुओं पर टैरिफ यानी कि आयात कर 25 से बढ़ाकर 30% कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि इसके अलावा करीब 300 अरब डॉलर की अन्य चीनी वस्तुओं पर भी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। 250 अरब डॉलर की वस्तुओं पर 30% टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा और इस तरह 300 अरब डॉलर वस्तुओं पर टैरिफ 1 सितंबर और 15 सितंबर से प्रभावी होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स नोटिस को जांचने के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस व्यवस्था की शुरुआत की है।
इसके जरिए आप टैक्स के नोटिस की जांच कर सकते हैं कि वो असली है या नहीं। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में घोषणा की थी कि आईटी डिपार्टमेंट में जारी हर इनकम टैक्स नोटिस पर कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। 1 अक्टूबर 2019 से पहले जारी नोटिस और ऑर्डर्स को 31 अक्टूबर 2019 तक अपलोड कर दिया जाएगा। दिन 1 अक्टूबर 2019 के बाद जारी नोटिस और ऑर्डर पर प्रिंट होगा। इंग्लैंड ने हिडिंगले मैदान पर खेले गए एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक अंदाज में 1 विकेट से हराया। इस जीत के बाद इंग्लैंड ने 5 मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी बार ऐसा हुआ जब इंग्लैंड 1 विकेट से मैच जीतने में सफल रहा है। स्टोक्स ने अपने करियर का 8वां शतक लगाया। खेल के कई जानकारों का मानना है कि यह उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ पारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने रविवार को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-7 से हराया और इसके साथ ही सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। सिंधु की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर सिंधु को जीत की बधाई दी है और कहा कि प्रतिभा की धनी पीवी सिंधु ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि बैडमिंटन के प्रति उनका लगन और समर्पण प्रेरणादायक है। पीवी सिंधु की सफलता खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। इससे पहले सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में साल 2017-18 में रजत और 2013-14 में कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। भारत ने टिंगा टेस्ट चौथे दिन ही अपने नाम कर लिया और वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 419 रनों का लक्ष्य था, लेकिन जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारत ने मेजबान टीम को 100 रनों पर समेट दिया। अजिंक्य रहाणे के जोरदार शतक के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कातिल गेंदबाजी ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को 318 रन के बड़े अंतर से धूल चटाई। वेस्टइंडीज के सामने भारत ने जीत के लिए 419 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 7 रन देकर 5 विकेट लिए और वेस्टइंडीज ने अपने 9 विकेट सिर्फ 50 रनों में पर खो दिए थे। विदेशी धरती पर रनों के मामले में भारत की यह सबसे बड़ी जीत है और इसी के साथ ही भारत ने टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी शुरुआत जीत के साथ करी। सुपरस्टार प्रभास पिछली बार फिल्म बाहुबली 2 में नजर आए थे और यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और इसने कमाई के मामले में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। अब 2 साल बाद वो एक्शन थ्रिलर फिल्म साहू लेकर आ रहे हैं। यह 30 अगस्त को रिलीज होगी और फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है जिससे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। फिल्म में श्रद्धा कपूर प्रभास के अपोजिट दिखाई देंगी। दोनों सितारों ने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए द कपिल शर्मा शो में भी शिरकत करी। शो में कपिल के कई दिलचस्प सवालों के भी दोनों ने जवाब दिए। प्रभास ने इस बात का भी खुलासा किया कि बॉलीवुड में उनका पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्ट्रेस कौन है। शो में कपिल के बाद जज अर्चना पूरन सिंह ने भी प्रभास से कई सवाल पूछे। उन्होंने प्रभास से सवाल किया कि उनकी फेवरेट मूवी कौन सी है। वहीं इस जवाब पर प्रभास ने आमिर खान की दंगल और अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले का नाम लिया और इसके बाद उन्होंने बताया कि वो शाहरुख खान और सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं। जब उनसे उनकी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम पूछा गया तो उन्होंने दीपिका पादुकोण का और आर्या भट्ट का नाम लिया। बॉलीवुड के हैंडसम हंक इंद्र कुमार को उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि शानदार फिजिक और लुक्स के लिए भी जाना जाता था। बॉडी के मामले में वो एक्टर सलमान खान को टक्कर देते थे। 2017 में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया था। इंडस्ट्री के इंदर को सलमान खान का करीबी कहा जाता था। उन्होंने सलमान के साथ तुमको ना भूल पाएंगे और वांटेड जैसी कई फिल्में भी की थी। तो आज उनकी एनिवर्सरी है। उनका जन्म 26 अगस्त 1973 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था और इंद्र कुमार ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म मासूम से की थी। फिल्म में उनके अपोजिट आयशा जुल्का थी और इसके अलावा छोटे पर्दे पर भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी और मिहिर के रोल में भी वो दिखाई दे चुके हैं। लखनऊ फैशन वीक 2019 इन दिनों सुर्खियों में है। कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रैंप वॉक करके जरिए जलवा बिखेरते हुए दिखाई दिए और इस लिस्ट में एक्टर अर्जुन कपूर का नाम भी शामिल है।
अर्जुन कपूर के साथ उनकी कजन जानवी कपूर ने भी रैंप वॉक किया और उसमें हिस्सा लिया। बहन जानवी कपूर भी भाइयों को रैंप वॉक पर देखकर काफी खुश हुई। जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दोनों भाइयों की तस्वीरें शेयर की और सेलिब्रेटिंग इमोजी के साथ खुशी जाहिर करते हुए दोनों दिखाई दिए। तस्वीर में अर्जुन और जहान के अलावा कुणाल रावल भी हैं। अर्जुन कपूर फैशन शो में रॉक के साथ वॉक करते हुए दिखाई दिए। अर्जुन ने होम लाइन कट ब्लैक कोट पहना था और इसी के साथ ही ब्राउन पैंट और ब्लैक लेदर शूज को टीम अप किया गया था।